स्वार्थ की इच्छा लेकर आते हैं तो आपकी राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती। आपकी राजनीति जो है वो खूब। नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज फरीदाबाद के भाजपा जिला कार्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। जिला कार्यालय के शुभ अवसर पर सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने मुख्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यालय के शुभ अवसर कार्यक्रम के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सिरसा लोकसभा के सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि हरियाणा में आज 6 जिलों में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा भारत में पहुंच रहे राफेल विमान के दाम पूछने के सवाल पर जवाब देते हुए भाजपा की महिला सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि राफेल विमान कोई मूंगफली रेवड़ी नहीं है, जिसका MSP बताना जरूरी है। सांसद ने कहा कि डिफेंस के मामले में बेहद गोपनीय होते हैं और इस तरह से सार्वजनिक तौर पर सेना के मामले को लेकर के चर्चा नहीं की जाती। कांग्रेस नेता को जवाब देते हुए महिमाला सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस के राज में भी कई विमान मिग खरीदे गए हैं और बोफोर्स तोपें भी खरीदी गई, जिसमें बड़ा गोलमाल किया गया। मिग विमान ऐसे हैं जिनमें आज हमारे सैनिक हादसे का शिकार होकर के अपनी जवान गंवा रहे हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि गुठलियों के दाम पूछने से। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि पार्टी उपचुनाव को लेकर के सभी तैयारियां पूरी है। इस उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होगी। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए इस बार फ्री बस सेवा शुरू नहीं की जाएगी। सांसद ने कहा है कि कोरोना के दौर में आर्थिक संकट है और इस बार बहनों को हरियाणा में फ्री बस सेवा की अधिक ज़रूरत है, इसलिए महिला सांसद होने के नाते वे मुख्यमंत्री से बात जरूर करेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को बसों की फ्री सेवाएं उपलब्ध हो सके। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आज पूरे हरियाणा में 6 जिलों में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें फतेहाबाद भी एक है, इसके अलावा रिवाड़ी में, इसके अलावा नूह में किया गया है और सोनीपत में किया गया है। इस तरह से टोटल मिलाकर 6 जो जिले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोला गया है और जिसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं वो दिल्ली से इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो है वो फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं और हमारे नव निर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जो ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं वो हिसार से इसमें जुड़े हुए हैं और सभी कार्यकर्ता बंधुओं की मेहनत की बदौलत आज हम इस काबिल हुए हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खोले जा रहे हैं, जिसमें अब तक 400 कार्यालय जो है वो खोले जा चुके हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मानना है कि आने वाले समय में 500 और जिलों में जो है वो जो है कार्यालय खोले जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है इसकी जो पद्धति है उसके तहत कार्यकर्ता कार्यक्रम और कार्यालय कोष और कार्य पद्धति इसके तहत जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो काम करता है, तो उसी की ही एक कड़ी में कार्यालय जो है वो खोला गया है। सभी के लिए बहुत बहुत इस बात के लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक जी। बिल्कुल बढ़ेगी, देखिए ये बहुत दिनों से जो है हमारी सेना की जरूरत थी और जो अब पूरी हो रही है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और इससे जबरदस्त उत्साह जो है हमारी सेना के अंदर है, क्योंकि जब तक कि आपकी नई तकनीक के हिसाब से आपके पास उपकरण नहीं होते हैं, आपके पास तो कितना अच्छा से अच्छा योद्धा क्यों ना हो वो भी जो है कब तक लड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी मैं ये कहूंगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है वो सोच के माध्यम से हम राफेल जो है वो हमारे देश के अंदर आ रहा है और सबके अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह है इसको लेकर और सेना के अंदर तो खासकर अगर मैं बात करूं तो। देखिए ऐसा है कि आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए कि पेट गिरने से मतलब होना चाहिए। उनकी सरकार में कभी भी हम कितने आपने देखा होगा कि मिग के कितने जो है वो हादसे हुए और हमारे कितने जवानों ने अपनी जान जो है वो खोई है उसमें, तो
तो जो और ये जो डिफेंस के मामले होते हैं ये बड़े कॉन्फिडेंशियल मामले होते हैं, इसमें ये बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आपको देश की जो है वो संप्रभुता को और देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेने होते हैं। ये कोई ये मूंगफली रेवड़ी बेचने वाली बात नहीं है कि आप जो है ये MSP है या कि आप गेहूं का भाव बता दो कि आप, ये जो है हमारे देश की बहुत बड़ी एक जो है मैं ये कहना चाहूंगी कि सेना की जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, और ऐसे उसमें हम ये कहें कि हम इस तरह की छोटी राजनीति करें कि आप इसका दाम बताइए उसका दाम बताइए, तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी पार्टी जो इतने सालों से जिन्होंने राज किया है और अपने समय में कुछ भी इस तरह का नहीं किया, उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। और सबको मालूम है कि उन्होंने रक्षा के समय में किस तरह से, चाहे वो फोर्स की बात करें या किसी भी की भी बात करें, उन्होंने किस तरह से इसके अंदर घालमेल किया था, तो उस वैसी ही मानसिकता उनकी है, उसी मानसिकता को लेकर वो बार बार इस तरह की बात करते हैं। देखिए अभी रक्षाबंधन का अभी जो है तारीख मेरे ख्याल से तीन तारीख है ना, तो अभी समय है। मैं अगर ये आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगी एक महिला सांसद होने के नाते, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम हर उसमें हर साल करते रहे हैं तो अब की बार क्यों ना करें, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी बात को मानना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, और वो करेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। जबरदस्त चल रही है, खूब अच्छे से चल रही है। हाँ बिल्कुल 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 है। देखिए बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं वहाँ पर, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी बराबर नजर वहाँ पर है, और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये परीक्षा तो है कांग्रेस वालों की, हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपॉर्चुनिटी का पूरा जो है फायदा उठाती है और अपॉर्चुनिटी को जो है वो बदलेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर हमारी सीट जो है वो निकलेगी।